हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन सेज, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। तो बच्चों, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? द लॉस्ट चाइल्ड में से। अब देखिए बच्चे, कहानी क्या है, स्टोरी क्या है द लॉस्ट चाइल्ड की, कि दैट देयर इज अ चाइल्ड हु गेट्स फैसिनेटेड बाय ऑल द थिंग्स इन द फेयर। ठीक है, कि यानी शायद वो फेयर, यानी कि फेयर में वो पहली बार गया है, मेले उसने पहली बार देखा है, और उस मेले में हर छोटी चीज से वो अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, उसे हर चीज चाहिए, हर चीज के पीछे वो भागता है, और इसी कारण वो अपने माँ बाप से थोड़ा पीछे रह जाता है बार बार। ठीक है, तो हमें उन्हीं सब चीजों को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज Numerous things that fascinates him। तो यानी कि जब वो रास्ते में होता है, यानी फेयर में होता है, तो ऐसी इतनी सारी चीजें हैं जो उसे इंटरेस्टिंग लगती हैं, जो उसे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ही सीज फ्लारिंग मस्टर्ड फील्ड बस्लिंग विद ड्रैगन फ्लाइज। तो क्या देखता है कि इतनी बड़ी फील्ड है जो कि मस्टर्ड से भरी, मस्टर्ड के फूलों से भरी हुई है, और जहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही हैं, बसल कर रही हैं। He sees insects and worms teaming out of their hiding place। वो क्या देखता है कि insects and worms ऐसा लग रहा है टीम बनाकर अपनी हाइडिंग प्लेस में से बाहर निकल रहे हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। तो यानी एक ग्रोव में वो एंटर करता है और इतने सारे फ्लावर्स उसके ऊपर गिर जाते हैं। He hears the cooing of doves, वो डब्स को देखता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चा मेले में देखता है, फेयर में देखता है। He lags behind because he is fascinated by the sights of insects, worms, bees, dragonflies। यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको देखने के लिए वो रुकता नहीं है, हर चीज के पीछे वो भागता है। इंसेक्ट्स को रुक कर देखता है, वॉर्म्स बीज ड्रैगन फ्लाइज को देखता है, सबसे अट्रैक्टेड होता है। ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज ही इज फैसिनेटेड बाय ड्रैगन फ्लाइज बटरफ्लाइज। हिज माउथ वाटर्स व्हेन ही सीज स्वीट मीट सेलर एंड वॉन्ट्स टू हैव बर्फी बर्फी। तो यानी कि उसका तो मुंह में पानी आ जाता है जब वो स्वीट मीट सेलर को देखता है। ठीक है, He also get attracted by different colors of balloons। फिर वो balloons को देखता है, उसे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। And beautiful gardens। When he sees the snake charmer, he gets mesmerized। यानी कि वो snake charmer को तो देखकर उसकी tune को सुन के बहुत ज़्यादा mesmerized हो जाता है। Whenever he sees something new and charming, he gets distracted and lags behind his parents। जब भी वो कुछ नया देखता है तो पीछे हट जाता है, उसके माँ बाप आगे चले जाते हैं, उसको आवाज़ देते हैं, तब वो उनको यानी पेसअप कर पाता है, उनके साथ चल पाता है, अदरवाइज वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं जिससे जो हमारा जो बच्चा है फेयर में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और पीछे रह जाता है अपने पेरेंट्स से। तो बच्चों, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।